सबसे पहले हमने यहाँ से क्रिएट किया, और क्रिएट करके यहाँ से हमने एक न्यू फाइल ले लेनी है। यहाँ से हम आ गए कॉमन पर, ये आ गया हमारे सामने हमारा आर्टबोर्ड। अब आर्टबोर्ड में मिसाल के तौर पे यहाँ से हम इसको ऑन करेंगे परस्पेक्टिव ग्रिड व्यू को, और इसको ऑफ कैसे करेंगे, इसको ऑफ करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। ठीक है, दोबारा देख ले, मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसको परस्पेक्टिव व्यू, परस्पेक्टिव व्यू कंट्रोल शिफ्ट आई। ठीक है, समझ में आ रही बात ये। तो अब देखिए इसको ऑन कैसे करना है, जैसे कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएंगे तो ऑन हो जाएगा, ऑफ भी से हो जाएगा। ये तो हो गया इसका इंट्रोडक्शन के पर्सपेक्टिव व्यू किस तरह से ऑन ऑफ होना है। अब ये यूज़ क्यों होगा, पहली बात तो ये, इसका यूज़ होने का मकसद ये है कि देखिए जो ड्राइंग्स फ्लैट पेपर पे बनती है, फ्लैट पेपर या बोर्ड पर, और उनको हम 2D या 3D सॉरी 3D दिखाना चाहते हैं, तो उनको थोड़ा सा पर्सपेक्टिव देना पड़ता है। मतलब जैसे कि अगर आप ये LCD फ्रंट पे बैठ के देख रहे हैं तो ये तो फ्लैट है, तो इसका पर्सपेक्टिव बनेगा एक लेफ्ट पर्सपेक्टिव, एक राइट पर्सपेक्टिव, और एक बनेगा इसका टॉप पर्सपेक्टिव। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को, या तो हम 2D ऑब्जेक्ट को, किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे दिखाएंगे यूजर को, या फिर हम उसको ऐसे दिखाएंगे यूजर को, या फिर हम उसको ऐसे दिखाएंगे यूजर को, ऊपर से दिखाएंगे ताकि ऊपर से बड़ी होगी और नीचे से छोटी होगी। अब यहां पर भी ऐसे ही होगा कि अगर उसको ऐसे दिखा रहे हैं तो यहां से बड़ी नजर आएगी और यहां पे वो छोटी हो जाएगी, या फिर हम उसको ऐसे दिखाएंगे कि आगे से बड़ी होगी और पीछे जाके वो छोटी होती चली जाएगी। ये एक टेक्निक है ड्राइंग्स के अंदर किसी भी ड्राइंग को शो करने की, कि ये आप उसको किस तरह से व्यू कराना चाहते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहले जैसे ही क्लिक करेंगे पर्सपेक्टिव व्यू पे तो ये आपके सामने पर्सपेक्टिव व्यू एक्टिवेट हो जाएगा। अब ये आपको क्या हेल्प करेगा, तो ये आपको ये हेल्प करेगा कि ये आपको बता रहा है कि भाई ये समझे कि ये आपका पर्सपेक्टिव व्यू है, अब इसको आप कैसे हैंडल करना चाहते हैं। तो मैंने छोटी सी एग्जांपल दी थी कि भाई जैसे इस तरह का एक क्यूब बॉक्स कैसे बनाएंगे, वैसे ये मैं डायरेक्टली भी बना सकता हूँ, वो पहले बनाना भी सिखाया आपको बॉक्स को, तो ये तो हम वैसे डायरेक्टली कैसे बना सकते हैं इस बॉक्स को, तो ईजी है कि ये देखिए इसमें क्या कर रखा है, इसने एक साइड दूसरी साइड और ये कर रखा है। लेकिन पर्सपेक्टिव व्यू से इसको बेहतर तरीके से यूँ बनाया जा सकता है कि इसमें अगर ये चारों साइड एक ही है तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पहले तो देखिए यहाँ पे हम इसको कंट्रोल करते हैं, तो ये पर्सपेक्टिव व्यू को हमने यहाँ क्लिक किया, जैसे क्लिक करेंगे ये हैंडल आ गया इसके, ये यहाँ से हम इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, और यहाँ से हम इसके साइज को भी इस तरह से कम, और यहाँ से भी इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो दोनों साइड से बराबर रखना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, नीचे से भी आप इसको इस तरह से कम ज़्यादा या ऊपर नीचे ईजिली कर सकते हैं, और यहाँ से क्लिक करके भी आप इसको इस तरह कम ज़्यादा या करना चाहें तो कर सकते हैं। और फायदा क्या है कि यहाँ पे एक गैजेट नजर आ रहा है जिस पर राइट लेफ्ट और बॉटम का ऑप्शन है, तो अगर आप राइट साइड पे कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं स्क्वायर लेके, यहाँ पे जब बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली इस तरह से बनेगी कि एक साइड से छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, और दूसरी साइड से कोई चीज़ बनाना चाह रहे हैं तो उसके राइट साइड पे क्लिक करेंगे और फिर वो स्क्वायर लेके शेप उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऐसे बनेगा कि वो इसके ऊपर अप्लाई होता चला जाएगा। ठीक है, ये आ गया यहाँ पे। ठीक, अब इसमें डिफरेंशिएट डालने के लिए, जैसे कि अगर हम एक तरफ डार्क कलर दे रहे हैं तो दूसरी तरफ हमने कौन सा कलर दे दिया, लाइट कलर दे दिया। ठीक है, तो ये इस तरह से एक लाइट कलर दे दिया हमने और ये हमें इस तरह से दिखाई दे रहा है। ठीक है, और फिर ऑफ करेंगे पर्सपेक्टिव व्यू तो ये आपके सामने देखें शेप इसमें से निकल आया। चले मैं इस पर एक जो होम होता है उसका एक शेप डिज़ाइन करता हूँ, तो इस पर क्लिक करके मैंने इनको दोनों को डिलीट कर दिया और अब पर्सपेक्टिव को मैंने थोड़ा सा अरेंज किया, तो क्लिक करके मैंने यहाँ से किया इसको थोड़ा इस तरह का, एक बिल्डिंग का शेप बना रहे हैं तो बिल्डिंग का फ्रंट हमें ये दिखाना है कि ये इसका मेन एरिया है जो हमें शो करना है, तो इसको मैंने थोड़ा लंबा कर दिया और इसको छोटा कर दिया, क्योंकि देखिए ना आप एक चीज़ को जब साइड से देखेंगे तो उसका एक हिस्सा तो आपको फुल नजर आएगा लेकिन जो दूसरा हिस्सा है वो थोड़ा कम नजर आएगा, तो इसका पर्सपेक्टिव का रूल है इस तरह से। तो ये भी हम इसके राइट साइड पर ही बना लेते हैं क्लिक करके और फिर इसी का जो हमने राइट साइड पर ले लिया। ठीक है, तो क्लिक किया हमने यहाँ पे और एक साइड को लाइट करना है तो ये साइड हमारी लाइट रहेगी, तो हमने यहाँ पे इसको लाइट ब्लू कलर दे देते हैं, लाइट तो नहीं डार्क ही है, और यहाँ पे इसका भी थोड़ा सा डार्क वर्जन दे देते हैं यहाँ पे इस तरह से, तो ये ऐसे नजर आएगा।
मजीद कंट्रोल करना है इसके कलर्स को, तो आपको मैंने बताया था कल जैसे कलर पैनल सेट बनाया था, यहाँ क्लिक करें, कलर पे क्लिक करें, कलर के पैनल पर जाएं, यहाँ से क्लिक करें HSB, तो HSB में ह्यू सेचुरेशन इसका ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे इसको जितना लाइट करना है यहाँ से लाइट कर लें, और लाइट करना है यहाँ से लाइट कर लें, और इसको थोड़ा जितना डार्क करना है वो या लाइट करना है वो यहाँ से इसको कर लें, जो भी रखना है इसके साथ। ठीक है, तो HSB हो गया काम, तो ये हमारा इस तरह से हो गया। कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट आई, तो ये हमारा यहाँ पे ऑफ गया। ठीक है, ये एक शेप निकल आया, तो ये एक फायदा है इसका पर्सपेक्टिव का कि ऑटोमेटिकली साइड्स वगैरह इसकी कवर हो जाती है। अब इसमें खिड़की दरवाजे वगैरह बनाने हैं तो कैसे बनाएंगे, तो इसमें यहाँ पर हम एक दरवाजे के लिए शेप निकाल लेते हैं, सपोज टू बी वो डार्क कलर में निकालेंगे थोड़ा सा। तो ये मैंने ये वाला कलर ले लिया और इस पर क्लिक करके हमने यहाँ पे उसको डिज़ाइन कर दिया, तो ये एक दरवाजे का शेप यहाँ पे हमने पूरा निकाल दिया नीचे तक। ठीक है, ये आ गया नीचे, ये एक दरवाजे का शेप निकल गया। अब इस तरह पे भी एक दरवाजे का शेप निकालना है, यहाँ पर भी एक दरवाज़ा है, तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दरवाज़ा जो है फिर वो इस तरह से बनेगा कि यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ से लेके यहाँ तक का एक शेप दरवाजे का हमने यहाँ पे निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया। अब इसके अलावा एक विंडो का शेप निकालना है, तो यहाँ से हमने लिया, इसके बाद यहाँ से क्लिक करके ये एक विंडो का शेप हमने यहाँ से निकाल दिया इसका। ठीक है, तो ये विंडो का शेप आ गया। इसके ऊपर एक वेंटिलेटर निकालना है, तो यहाँ पे हमने क्लिक किया और ये एक बड़ा सा वेंटिलेटर हमने यहाँ पे इसके ऊपर निकाल दिया। ठीक, और फिर एक वेंटिलेटर इस साइड पे निकालना है, तो क्लिक किया आपने यहाँ पे और शेप लिया और यहाँ पे क्लिक करके आपने एक वेंटिलेटर जो है इसका यहाँ पे निकाल दिया, जो इसके ऊपर इस तरीके से बना हुआ है। तो ये देखिए, इसके ऊपर का एक वेंटिलेटर आपने यहाँ पे निकाल दिया, तो ये बिल्डिंग के ऊपर का काम तो हमने कंप्लीट कर लिया। अब आती है बात कि थोड़ा सा इसकी चौखटें शो हो, तो देखिए इस साइड की चौखट कैसे बनेगी, क्या पहले इस साइड वाला पर्सपेक्टिव लेंगे और उसको यहाँ पे थोड़ा सा लाइट कलर से बनाएंगे ताकि वो जाहिर होकर चौखट है इसकी। तो ये देखिए, यहाँ की चौखट आपने यहाँ पे इस तरह से बना देनी है। तो ये थोड़ा बड़ा गेट है, तो इसकी चौखट हमने थोड़ी सी बड़ी बना दी, और इसके थोड़ी सी चौखट हम थोड़ी पतली बनाएंगे क्योंकि थोड़ा पतला गेट है, तो छोटा गेट है, तो यहाँ पे हमने इसकी चौखट थोड़ी कम करके बना दी और ये इस तरह की चौखट हमने इसकी बना दी। अच्छा, कलर सेम होने की वजह से दिख नहीं रहा, तो इसको थोड़ा लाइट कर लेते हैं। तो ये वाला टूल लिया और इस कलर पे क्लिक किया, तो ये देखिए उस तरह की चौखट वहाँ पे भी निकल आई कि जाहिर हो रहा है कि भाई ये इसकी एक चौखट है और ये यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रही है। अच्छा, उसके बाद जो है इसकी भी चौखट बनानी है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये ऑप्शन लेंगे और ये साइड पे क्लिक करके हमने इसका जो है एक यहाँ पे भी हल्की सी एक चौखट निकाल देनी है। ठीक है, इस तरीके से, और इसका कलर भी हमने यहाँ से लेके थोड़ा सा डिफरेंट लगा दिया इसके ऊपर। ठीक, तो ये इस तरह से नज़र आ रही है, और जो यहाँ की चौखट है इस तरीके से फिर खिड़की की, तो वो भी इस तरह से बनेगी। क्लिक किया हमने इसके ऊपर और यहाँ से भी इसकी चौखट को हमने यहाँ पे इस तरह से लिया और यहाँ पे इस तरह से बना लिया इसके ऊपर। ठीक है, और इसके ऊपर क्लिक करके हमने यहाँ से यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो ये इसकी चौखट निकलेगी और ये इस तरह से नज़र आ रहा है। तो ये घर का जो एक डिज़ाइन सा कंप्लीट होता जा रहा है। अब रह गया नीचे इसके और भी मामला आते हैं, जैसे इसकी स्टेयर्स कैसे बनेंगी। तो स्टेयर्स बनाने के लिए देखिए, इसमें आपको ये करना पड़ेगा, स्टेयर में एक इसका फुट होता है और एक इसका स्ट्रेट होता है, तो ये स्टेप होता है एक। तो हम इसका जो है यहाँ पे क्लिप करके थोड़ा सा डिफरेंट कलर के साथ बना लेते हैं इसको, कि ये इसकी स्टेप्स जो होंगे वो थोड़े से ये और लाइट कलर के बनाते हैं। तो एक लाइट कलर मैंने इसके ऊपर इस तरह से नहीं लगाना, बल्कि मैंने इसका ये नीचे वाला स्टेप ले लिया, तो यहाँ से क्लिक करके मैंने इस तरह से एक बना लिया इसके ऊपर, और फिर इसके आगे जो है इसके स्टेप के आगे जो फुट बनाना है तो उसको थोड़ा डार्क कलर में बना दिया, क्योंकि एक लाइट में बनेगा और एक डार्क में बनेगा। तो यहाँ से कलर लिया और उसके आगे यहाँ पे क्लिक करके ये वाला ऑप्शन लिया, और ये ऑप्शन लेके मैंने जैसे क्लिक किया तो ये इस तरह से बन रहा था, तो फिर मैंने ये वाला ऑप्शन लिया, तो ये इस पर क्लिक करके ये इस तरह से इसके आगे बन गया। ठीक है, तो ये इस तरह बन गया। अब क्या करना है, ये एक स्टेप बन गया, मजीद आगे एक और स्टेप बनाना है, तो फिर से ये वाला स्टेप लिया और ये यहाँ पे रख के इसके कोने से एक और बना दिया, और फिर एक और आगे इसके आगे स्टेप देना है, तो फिर मैंने यहाँ से क्लिक करके इस साइड पे एक और ये इस तरह से क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो ये चीज़ तो हमारी इस तरह से बनती चली जाएगी। ओके, अब उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ पे आपने क्लिक करना है, ये लाइट रहेंगे और ये डार्क कलर में चाहिए, तो आपने यहाँ से यही डार्क कलर ले लेना है, ये लिया आपने, इस पर क्लिक कर दिया, ये डार्क कलर इस पर आ गया, और यहाँ पे भी क्लिक करके इसके ऊपर भी ये वाला कलर लगा दिया, तो ये देखिए फुट और स्टेप्स दोनों इसके निकल आए। इस तरह से आप इसका 2D ड्राइंग बना सकते हैं। अब रहिए ये वाला पोर्शन कैसे कंप्लीट करेंगे आप, तो ये आसान है इसको करना। तो देखिए इसके लिए आप क्या करें,
इसके लिए आपने यहाँ पे ये वाला साइड लिया, आपने क्लिक किया इसको और यहाँ से इसको इस तरीके से डिज़ाइन करना है। तो पहले थोड़ा जूम कर लेते हैं और ये पूरा नहीं आया आखिर तक, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्लिक करके इसको ऐसे करके ये इस तरह से एक निकाल लिया, और फिर हमने यहाँ पे क्लिक करके एक यहाँ से इसका इस तरह से साइज भी निकाल दिया, ठीक है। और इसको थोड़ा सा हमने ऊपर कर दिया ये इस तरीके से, ठीक। इसमें भी वैसे अगर इसको लाइट देना चाहें तो यहाँ पे दे सकते हैं, यहाँ से क्लिक करके ये लाइट कलर इस पर लगाएंगे तो ये इस तरह से एक इफेक्ट बन जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। ऐसे दिखाना चाह रहे हैं या ब्लैक डार्क रखना चाह रहे हैं तो वो जैसे आपकी मर्ज़ी। अगर थोड़ा और दूसरा कलर लेना चाह रहे हैं तो ये मज़ीद ये कलर लगा दें या इससे थोड़ा और लाइट कलर लगा दें ताकि थोड़ा सा वेरिएशन इनके अंदर आ जाए, ताकि वो आपको थोड़ा एक जैसा फील ना हो। यहाँ क्लिक करके हमने इसको थोड़ा सा डार्क कर दिया और इस पर क्लिक करके हमने यहाँ से क्लिक करके इसके ऊपर भी ये चीज़ लगा दी, ठीक है। और ये इस तरह से आपका देखें ये इसका स्टेप्स बन गए। तो ये एक तरीका है, मतलब अगर आप कोई होम वगैरह बना रहे हैं उसका डिज़ाइन बनाना चाहें, जैसे कार्टून्स वगैरह में होम शेप्स वगैरह होते हैं, या कोई आप लोगों के तौर पे कोई चीज़ बनाना चाहें तो इसके अंदर इस तरीके से बना सकते हैं। कंट्रोल शिफ्ट आई करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह से बना हुआ आ जाएगा।